Hey friends, welcome once again to your channel Dream Shot. काफ़ी दिन हो गया था, it was too hectic, lot of things to do. तो इसलिए videos में थोड़ा सा delay हो रहा है. Anyways, before I start with the topic, let me tell you, पीछे generator का sound है तो थोड़ा सा वो disturbance आ रहा है. Desperately आज मुझे video बनाना ही था तो इसलिए थोड़ा सा sound के साथ compromise कर लिया. क्लाइंट्स से जो हम एडवांस लेते हैं, जो पेमेंट्स लेते हैं, वो फोटोशूट्स के लिए हो सकता है, वेडिंग्स में हो सकता है. यहाँ पे कुछ कुछ डिसीशंस हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. कभी कभी डिस्कशन में हम ठीक से डील नहीं कर पाते हैं. इसी की वजह से मैंने सोचा आज आपको कुछ टिप्स दूँ. देखो यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूँ, आई लर्न इट द हार्ड वे. मतलब मैंने कुछ किया, फिर गलती किया, फिर उसको ठीक किया, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया. क्योंकि मैंने बोला आपको इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बारे में सोचो, अगर आपको ठीक लगता है देन डेफिनेटली यू कैन इनकॉर्पोरेट. और इस वीडियो के एंड में एक मैं आपको मेजर टिप देने वाला हूँ. ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप फॉर लाइफ है. बिजनेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट. आपको एग्जैक्टली कितना कोट करना है, किसके लिए कितना चार्ज करना है, ये मैं बता नहीं सकता हूँ. क्योंकि आप कहाँ पर रहते हो, आपका क्लाइंट किस टाइप के हैं, आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट फोटोग्राफर हो या एक्सपर्ट हो, एडवांस्ड फोटोग्राफर हो, आपका ऑलरेडी ब्रांड एक बन चुका है, इस सब पे बहुत डिपेंड करता है. उतना ही नहीं, वेडिंग्स जैसा जो इवेंट्स है वो इवेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना कोट करना चाहिए. एक वेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, एक वेडिंग बहुत छोटा हो सकता है. कुछ इवेंट्स आधा दिन के हो सकते हैं, कुछ इवेंट्स पूरे दिन के हो सकते हैं. सो वी डोंट नो. कुछ फोटोग्राफर्स आवर्स के हिसाब से चार्ज करते हैं और कुछ फोटोग्राफर्स हाफ डे के हिसाब से चार्ज करते हैं. मतलब या फिर वो फर्स्ट हाफ होगा, सेकेंड हाफ होगा या फिर फुल डे होगा. तो इस तरीके से चार्जेस होता है और वो आप डिसाइड करो. लेकिन एक चीज़ जो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नो योर क्लाइंट्स. मतलब आपके लिए सेट करना पड़ेगा कि यही मेरे क्लाइंट्स हैं. शादी में करोड़ों का बजट रखने वाले क्लाइंट्स होते हैं. ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जिनका 30-40 लाख के इन्वेस्टमेंट हो, और ऐसे भी क्लाइंट्स हो सकते हैं जो एंटायर वेडिंग बस 40-50,000 में कर दे. इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका क्लाइंट कौन है. आप अगर अप्रोक्सीमेटली आपका 2-3 लाख पर वेडिंग चार्ज आप करते हो, अचानक आप 40-50,000 वाला वेडिंग्स भी लोगे, फिर 5-6 लाख चार्ज करोगे, ऐसे नहीं हो सकता है. क्योंकि अगर आपने 40-50,000 में वेडिंग करके दे दिया, उस पर्टिकुलर क्लाइंट के दिमाग में ये आ जाता है कि आपका एवरेज जो आप कोट करते हो सबको वो अराउंड 50,000 है. वो जब दूसरों से बात करते हैं या फिर कोई दूसरा उनसे इंक्वायर करते हैं, ये जो 50,000 का जो क्लाइंट है किसी और को रेफर करेंगे तो वो भी लगभग 50,000 वाले क्लाइंट्स ही होंगे. वैसे ही लोग आना शुरू हो जाएंगे और आपका जो स्टैंडर्ड कोट है वो 50,000 बन जाएगा. अगर आप एक ऐसे लोकेशन में रहते हो जहाँ पे इसी बजट के क्लाइंट्स रहते हैं, देन यू शुड गो फॉर इट. अगर आप सिटी में रहते हो और मोस्टली क्लाइंट्स लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीस वेडिंग्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका अगर उतना टॉप नॉच सर्विस है, अगर आपको लगता है कि आपका जो वीडियो है, जो सिनेमेटोग्राफी है, आपका जो फोटोज है, इट इज़ वर्थ लैक्स ऑफ रुपीस, और जो एक्चुअल फोटोज और वीडियोस होता है उसका वैल्यू थोड़ा सा कम ही होता है, जो पूरा सर्विस आप देते हो, आपके कॉल से लेके जिस तरीके से आपका ईमेल जाता है, जिस तरीके से आप डिलीवरी करते हैं, हर एक चीज़ किस लेवल पे है, उसके हिसाब से आपको सोच के एक पैकेज बनाना बहुत ज़रूरी है. और उस पैकेज के हिसाब से ही क्लाइंट रहेंगे. ऐसे नहीं हो सकता कि आप 10 लाख का भी वेडिंग करो, अगले दिन आप 50,000 का वेडिंग करो, उसके बाद एक 2 लाख का वेडिंग करो, ऐसे नहीं हो सकता. सेकेंड, बार्गेन, नेगोशिएशन. जब इस बात पे आता है, अगर आप खास करके मिडिल क्लास फैमिली के साथ नेगोशिएट कर रहे हो, इन दैट केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी वेरी वेरी क्लियर. हमारा जो मिडिल क्लास मार्केट है वो हर जगह ऑफर्स, डिस्काउंट्स, नेगोशिएशन, ये सब बहुत होता है. अगर क्लाइंट मिडिल क्लास है, जो कि ज़्यादातर वही होंगे, आपको अपने पैकेज पे बहुत क्लियर रहना पड़ेगा. ऐसे भी क्लाइंट्स होंगे जो आपको एक रैंडम नंबर दे देंगे, अच्छा इसको 1.7 लाख बना दो. क्यों बनाएं? इसका कोई रीज़न है? नहीं है. वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि हर चीज़ वैसे पूछ के आदत हुआ रहता है. इसीलिए इतना बड़ा सर्विस को भी लोग उसी तरीके से देखने लगते हैं. अगर आप एक एजुकेटेड न्यू जनरेशन से बात नहीं कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा पुराना ख्यालात वाले लोग होंगे तो इसी तरीके से बार्गेन करेंगे. क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन रहता है, कम होना है तो होने दो. हो सकता है कि पूछने पर शायद डिस्काउंट मिल जाए, वो हम सबको लगता है. लेकिन अगर आप इस तरीके से डिस्काउंट देने लगे नेगोशिएशन के ऊपर, आपके ऊपर एक वर्ड स्प्रेड हो जाएगा, आपके ब्रांड के ऊपर, आपके फोटोग्राफी के ऊपर, आपके ऊपर इस तरीके का बात फैल जाएगा कि वो कंपनी पहले तो एक कोट देता है लेकिन थोड़ा सा नेगोशिएशन करने पे 10-20 हज़ार तो कम कर ही देता है.
दिस शुड नॉट बी योर केस. सो इफ यू डिक्रीज द कस्टम पैकेज प्राइस, उसका एक रीजन होना चाहिए. क्लाइंट नेगोशिएशन में कितने अच्छे हैं उसके हिसाब से आपका पैकेज डिपेंड नहीं होना चाहिए. आप डिसाइड करोगे कि पैकेज का वैल्यू क्या है. सब्जी मंडी में जो नेगोशिएशन होता है वो वहीं पे रहने दो. आपका जो सर्विसेज है उसको वहां पे ले जाने की जरूरत नहीं है. उसके बाद आता है एडवांस. एडवांस के बिना मैं काम शुरू नहीं करता. काम शुरू करना तो छोड़ो, डेट तक ब्लॉक नहीं होता है. आपका शेड्यूल कैसा है, आप कितना बिजी हो, इसके हिसाब से आप कुछ दिन डिसाइड करो. ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई क्लाइंट पिछले दिन कॉल करके बोल देता है कि सॉरी कल का इवेंट जो है वो कैंसिल हो गया, और इतना दिन आप सारे इवेंट्स को रिजेक्ट करते रहे, कैंसिल करते रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इवेंट होने वाला था. इसीलिए एक चीज़ आप डिसाइड कर लो, पहले एडवांस, उसके बाद ही डेट ब्लॉक होगा. अगर कैजुअली बात करके आप डेट ब्लॉक करके रख दो, एडवांस बाद में पे करेंगे, नो. उस क्लाइंट के घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो सकता है, और लास्ट मोमेंट में अगर वो लोग कैंसिल कर देंगे देन इट इज़ वी हु विल बी हिट. उतना ही नहीं, फुल पेमेंट के बिना देर इज नो डिलीवरी. देखो शादी में जितने भी सर्विसेज है सारे सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट हो जाता है. बस एक ही ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है जिसका पेमेंट लास्ट तक बचा रहता है, विच इज़ फोटोग्राफर. उस टाइम पे क्लाइंट पैसे के मामले में बहुत प्रॉब्लम में हो सकता है. अगर आपने फुल पेमेंट नहीं लिया, उससे पहले ही डिलीवरी कर दिया, यू आर इन्वाइटिंग ए प्रॉब्लम. क्योंकि अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं भी हो, एक बार डिलीवरी हो जाएगा ना, वो एक माइंड सेट चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ग्रांटेड हो जाता है, अरे उसको आराम से दे देंगे वाला एक फील आ जाता है. एस्टैब्लिश्ड फोटोग्राफर्स ये सब करते ही हैं. लेकिन अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर्स हो, शुरू की कुछ वेडिंग्स में आप ज़्यादा कर नहीं सकते हो, आप में इतना पावर नहीं होता कि आप बोलो कि पहले पेमेंट करो उसके बाद ही मैं डिलीवरी करूँगा, लेकिन ग्रेजुअली आपको ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. प्रॉब्लम्स एंड प्रॉमिसेस ऑफ क्लाइंट्स ड्यूरिंग नेगोशिएशन. देखो यूजुअली इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज किसी भी हद तक जा सकते हैं एक नेगोशिएशन के टाइम पे. जब आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो लोग ये कहें कि हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, बहुत कम बजट है, लेकिन आप अच्छे फोटोग्राफर हो, हम आप ही को लेना चाहते हैं, लेकिन बजट बहुत ही ज़्यादा कम है. कोरोना का रीज़न हो सकता है, कोई और रीज़न हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने रख के हो सकता है कि इसको नेगोशिएशन का रीज़न बना दे. आपका जान पहचान का कोई है, यू रियली नो द इश्यू, अगर आप उसके हिसाब से डिस्काउंट करना चाहते हैं देन इट्स फाइन. लेकिन मेक श्योर दैट यू आर नॉट हिट. आपको अपने बारे में सोचना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. उतना ही नहीं, वन ऑफ द वेरी कॉमन थिंग दैट विल बी टोल्ड, हमारे घर में बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसके बाद भी फंक्शन होंगे, इसको आप डिस्काउंट में दे दो, अगले फंक्शंस आप ही को देंगे. इस डेंजरस प्रॉमिस को कभी बिलीव करके डिस्काउंट मत देना. अगर आपको वैसे भी डिस्काउंट देना है तो दे सकते हो, लेकिन इस भरोसे पे मत रहना कि आगे वाले जो इवेंट्स है वो आप ही को मिलेंगे. ये एक टिपिकल इंडियन प्रॉमिस है जो मोस्ट लाइकली नहीं होता है. अगर उनको आपका काम अच्छा लग गया, जितना भी आप एक्सपेंसिव हो, नेक्स्ट टाइम वैसे भी वो आपको देंगे. अगर उनको कोई भी रीज़न से आपको नहीं लेना है, सिर्फ मैंने प्रॉमिस किया था इस फोटोग्राफर को, इसलिए मुझे नेक्स्ट जो भी इवेंट है इसी फोटोग्राफर को देना है, कोई नहीं सोचेगा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. आगे का एक्सपेक्टेशन रख के इवेंट में कोई भी डिस्काउंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है. चार्जिंग फॉर फ्रेंड्स. काफ़ी फ्रेंड्स आपके पास आ सकते हैं ये सोच के कि आप उनको डिस्काउंट देंगे. वैसे फ्रेंड्स को आप डिस्काउंट दे सकते हो. अगर ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जो बुरे वक्त में भी आपके पास आएंगे, या फिर आपके इनिशियल स्ट्रगलिंग डेज में आपके साथ थे, आपको पता है वो क्लोज फ्रेंड्स कौन हैं. अगर इस टाइप की क्लोज फ्रेंड्स आपका कोई है, उनको डिस्काउंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ सर्विस देते वक्त ही बेस्ट फ्रेंड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको सबसे पहले अपने सर्विस के बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ मनी. प्रॉब्लम होगा तो शायद आप ही को फिक्स करना पड़ेगा. मैंने एक बात कहा था इनिशियली कि एक चीज़ मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, जो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं आपके लाइफ में भी आपको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ टू से नो. नो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. नो बोलना बहुत मुश्किल भी है. कोई कन्विंस करने में अच्छा है, वो कन्विंस कर देता है, हम नो नहीं बोल पाते हैं, उसके बाद हम रिपेंट करते रहते हैं. जहां आपको लगता है कि इतने में करना मुश्किल है, से नो. नहीं हो सकता है, बहुत प्यार से बोलो, बहुत अच्छे से बोलो, लेकिन फर्मली बोलो. हम इंडियंस को सवाल पूछना और मना करने में थोड़ा सा शर्म आ जाता है, पता नहीं क्यों. मेरा भी ये प्रॉब्लम था, धीरे धीरे करके इसको इनकॉर्पोरेट किया. इसी का एक्सटेंशन पार्ट टू, पैसा इंपॉर्टेंट है या ब्रांड इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा. अगला वीडियो होगा या उसका अगला वीडियो होगा, आई डोंट नो, लेकिन बनाऊंगा फॉर श्योर. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ लेट मी नो बाय हिटिंग द थम्स अप. प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल.
थैंक्स अगेन, टेक केयर।